जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम थर्ड पार्ट स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर देखने वाले हैं। इसमें हम जो कश्मीर के रिलेशन है भारत के साथ, क्या डिफरेंस है वो हम यहाँ पर जानेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफ़ी मज़ा आएगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं, मयूर मोगरे। आप मुझे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरीज है आप मैसेज कर सकते हो। अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। सबकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर इंडिया एंड जम्मू एंड कश्मीर है, यहाँ पर हम देखेंगे मतलब बाकी जो स्टेट्स है उससे जम्मू एंड कश्मीर किस तरीके से अलग है। आर्टिकल 370 जो है वो किस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस, टेम्पररी स्टेटस देता है। तो पिछले जो वीडियोस है अगर आपने वो नहीं देखे तो वो आप ज़रूर देखिए। पिछले दो वीडियोस है, जैसे कि पहले वीडियो में मैंने आर्टिकल 370 आया कहाँ से वो आपको बताया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैंने बाकी जो चीज़ें हैं वो सब आपको बताई है, उसके जो फीचर्स है सब कुछ। अब इस वीडियो में हम जो रिलेशन है वो देखेंगे। अब यहाँ पर पहली चीज़ आती है कि जम्मू एंड कश्मीर इज़ अ कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन एंड हैज़ इट्स प्लेस इन पार्ट वन एंड स्केड्यूल वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब पार्ट वन कौन सा है यूनियन एंड टेरिटरी से बिलोंग करता है, स्केड्यूल वन कौन सा है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से बिलोंग करता है। तो भारत जो है, कश्मीर जो है, ये भारत का हिस्सा है, ये तो हमने पिछले वीडियोस में भी देखा है। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पर आती है कि बट इट्स नेम, एरिया और बाउंड्री कैन नॉट बी चेंज्ड बाय द यूनियन विदाउट द कंसेंट ऑफ द लेजिस्लेचर। अब यहाँ पर हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब बाकी दूसरा कोई स्टेट है, फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र का एग्जाम्पल लेते हैं, तो महाराष्ट्र है, अगर जो यूनियन है उसे उसकी जो बाउंड्री है वो चेंज करनी है, ठीक है, अगर बाउंड्री चेंज करनी है या फिर नाम चेंज करना है, जो कुछ भी चेंज करना हो, तो यहाँ पर कंडीशन क्या रहने वाली है ये हमने जो यूनियन एंड टेरिटरी चैप्टर देखा था उसमें हमने पूरी तरीके से डिटेल में देखा हुआ है ये। तो उसमें कंडीशन हमने क्या देखी थी कि जो प्रेसिडेंट है, जो बिल यहाँ पर इंट्रोड्यूस होगा कि सपोज महाराष्ट्र की जो बाउंड्री है वो हमें अल्टर करनी है, तो महाराष्ट्र की बाउंड्री अगर अल्टर करनी है तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट, वो जो बिल रहेगा वो प्रेसिडेंट के अनुमति के साथ यहाँ पर आएगा। अब प्रेसिडेंट की अनुमति के साथ यहाँ पर बिल जब आएगा तो जो प्रेसिडेंट है वो जो महाराष्ट्र की स्टेट लेजिस्लेचर रहेगी, मतलब जो महाराष्ट्र की स्टेट लेजिस्लेचर रहेगी उसे वो बिल पहले दिखाएंगे कि हमें महाराष्ट्र जो है उसकी जो बाउंड्री है वो अल्टर करनी है। ये जो बिल है ये प्रेसिडेंट जो है वो असेंबली को दिखाएंगे, फिर असेंबली बिना किसी रिकमेंडेशन के या फिर रिकमेंडेशन के साथ बिल जो है ये फिर से भेजेगी। और यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो बाउंड नहीं रहेंगे, जो भी असेंबली ने कहा है वो मानने के लिए बाध्य नहीं रहेंगे हमारे जो राष्ट्रपति है वो, ठीक है। इस तरीके से जो बाउंड्री है वो अल्टर की जा सकती है, मतलब यहाँ पर सिर्फ मुंह दिखाई टाइप होता है, जो बिल है वो लेजिस्लेचर को मुंह दिखाई टाइप रहने वाला है, बाकी जो भी फाइनल डिसीजन रहेगा वो प्रेसिडेंट और जो हमारी पार्लियामेंट है उसका रहेगा। मगर जब हम कश्मीर के मुद्दे पर आते हैं तो अगर कश्मीर की बाउंड्री यहाँ पर अल्टर या फिर चेंज या फिर कुछ भी करना हो तो यहाँ पर जो लेजिस्लेचर रहेगी उसका डिसीजन यहाँ पर फाइनल रहेगा, उसके अनुमति के बिना यहाँ पर पत्ता भी नहीं हिल सकता है। इसलिए यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि यहाँ हमारी हुकूमत चलती है, यहाँ हमारी तरीके से चीज़ें जो है वो होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर होता है, ये डिफरेंस बहुत ज़रूरी है जानना। उसके बाद स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज एडमिनिस्टर्ड अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्स्टिट्यूशन, हेंस पार्ट सिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पार्ट सिक्स कौन सा है जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के साथ डील करता है, मतलब महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इनकी सेपरेट तो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये किसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर काम करते हैं। लेकिन जो पार्ट सिक्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो जम्मू एंड कश्मीर जो है उस पर लागू नहीं होता है। अब जैसे महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र किसके अकॉर्डिंग काम करेगा, अगर उसे रूल्स देखने हैं, रूल बुक देखनी है, तो किसकी, कौन सी रूल बुक देखेगा वो महाराष्ट्र, तो हमारा संविधान देखेगा जो भारत का है, बराबर है। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर जो है उसमें ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लागू होगी क्या, तो नहीं होगी, अपनी उनकी एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन भी है, मतलब उसके अकॉर्डिंग वो वहाँ पर काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि और उसी के साथ साथ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन तो है ही, उसी के साथ साथ उन्हें एक हम प्रिविलेज भी बोल सकते हैं कि एक अपना उनका एक सेपरेट फ्लैग भी है और एक अपनी सिटीजनशिप भी बोल सकते हैं हम, सिटीजनशिप भी उनके पास है। तो पहले वो भारत के सिटीजन है, उसके बाद वो कश्मीर के भी सिटीजन है। अब वो किस तरीके से हम देख सकते हैं वो हम आगे देखेंगे। पार्लियामेंट कैन मेक लॉज इन रिलेशन टू द स्टेट ऑन मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट एनुमरेटेड इन द यूनियन लिस्ट एंड ऑन अ गुड नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स एनुमरेटेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट। मतलब जो यूनियन है, जो पार्लियामेंट है, वो हमने पिछले वीडियो में भी देखा है, जो पार्लियामेंट है वो यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में जो कुछ सब्जेक्ट दिए हुए हैं, रीजनेबल सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं जो कि
इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में थे उस पर कानून बना सकते हैं, और यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट जो है उस पर कानून जो है वो बना सकते हैं, लेकिन जो भी रेसिड्यूरी पावर रहेंगी वो सारी स्टेट लेजिस्लेचर के पास रहेगी। मतलब रेसिड्यूरी पावर जो है उस पर स्टेट लेजिस्लेचर जो है वही यहाँ पर लॉज जो है वो बना सकते हैं, एक्सेप्ट इन फ्यू मैटर्स लाइक प्रिवेंटिव ऑफ एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग टेररिस्ट एक्ट, क्वेश्चनिंग और डिसरप्टिंग द सोवर्निटी एंड टेरिटरी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। मतलब जो भी अगर टेररिस्ट का मामला हो या फिर इंडिया की सोवर्निटी इंटीग्रिटी का मामला हो, नेशनल फ्लैग का मामला हो, नेशनल एंथम का मामला हो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का मामला हो, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर यूनियन जो है अपने हिसाब से यहाँ पर काम कर सकती है। फर्दर द पावर टू मेक लॉज ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन इन द स्टेट बिलोंग टू स्टेट लेजिस्लेचर। अब यहाँ पर प्रिवेंटिव डिटेंशन जो होता है इस पर लॉज बनाने का अधिकार स्टेट को ही होता है। इसका मतलब क्या है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज जो है जो पार्लियामेंट ने बनाए हुए हैं वो अप्लीकेबल नहीं होते हैं जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप देखोगे तो काफ़ी चेंजेस यहाँ पर मिले हुए हैं, लेकिन आगे जाकर हम इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों देखेंगे कि फ़ायदे क्या है और नुकसान क्या है, दोनों हम यहाँ पर देखेंगे। अब पार्ट थ्री जो होता है जो डील करता है फंडामेंटल राइट्स के साथ, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स हमें मिला हुआ है, इज अप्लीकेबल टू द स्टेट विथ सम एक्सेप्शंस एंड कंडीशंस। अब क्या कंडीशन और क्या एक्सेप्शंस है, जैसे फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी जो है अब वो हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से एलिमिनेट कर दी गई, अब वो लीगल राइट बन चुका है रैदर दैन फंडामेंटल राइट। लेकिन जो जम्मू एंड कश्मीर है उसमें जो राइट टू प्रॉपर्टी है फंडामेंटल राइट में ही दिया हुआ है, स्टिल गारंटेड किया हुआ है, और कुछ स्पेशल राइट्स है जैसे कि परमानेंट रेसिडेंट ऑफ द स्टेट विद रिगार्ड टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जो परमानेंट रेसिडेंट होते हैं उन्हें यहाँ पर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में काम मिल सकता है। इमूवेबल प्रॉपर्टीज जो है वही एक्वायर कर सकते हैं, मतलब अगर मैं चाहूँ तो मैं कश्मीर की जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो एक्वायर नहीं कर सकता हूँ। सेटलमेंट एंड गवर्नमेंट स्पॉन्सरशिप जो होती है वहाँ पर रहना या फिर गवर्नमेंट स्पॉन्सरशिप जो है उसे लेना, तो मैं वो नहीं कर सकता हूँ। जैसे एक पार्ट अगर आप देखोगे हमारे फंडामेंटल राइट का है कि सिटीज़न जो होता है भारत का वो भारत के किसी भी स्टेट में जा सकता है, बराबर है, वहाँ जो उसे जो भी बिजनेस करना हो वो कर सकता है, इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ खरीद सकता है। तो यहाँ पर वो वॉयलेट होता है, वॉयलेट इन द सेंस यहाँ पर वो कॉन्ट्राडिक्ट होता है कि यहाँ पर वो लागू नहीं होता है। यहाँ पर जो वहाँ के सिटीज़न रहेंगे, जम्मू एंड कश्मीर के सिटीज़न रहेंगे, परमानेंट रेसिडेंट रहेंगे, उन्हें ही सिर्फ वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट का, इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर करने का, सेटलमेंट एंड गवर्नमेंट स्पॉन्सरशिप का अधिकार मिलता है, बाकी किसी और को नहीं मिलता है। अब यहाँ पर भी अगर कोई महिला, अगर कोई स्त्री जम्मू एंड कश्मीर की रेसिडेंट है लेकिन वो भारत के किसी और स्टेट के इंसान के साथ शादी करती है, तो उसकी जो सिटीज़नशिप है वो स्त्री की, वो महिला की जो सिटीज़नशिप है वो चली जाएगी। लेकिन अगर वही महिला जो जम्मू एंड कश्मीर की सिटीज़न है अगर वो पाकिस्तान के किसी सिटीज़न के साथ शादी करती है तो उसकी वो सिटीज़नशिप जो है वो इंटैक्ट रहेगी। तो ये भी एक काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल एक हम बोल सकते हैं उसमें डाला हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पर चेंजेस आते हैं, लेकिन सिर्फ ये एक चीज़ छोड़ी जाए, ये सिटीज़नशिप की एक चीज़ छोड़ी जाए, तो दूसरी कोई भी इसमें जो महिलाएं हैं उनके साथ मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया है, जैसा हमें लगता है काफ़ी बार कि वहाँ पर जो महिलाएं हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया है जो राइट्स देने में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, ये एक पार्ट छोड़े तो और कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो ये जो वीडियो है ये ना ही सिर्फ UPSC या फिर जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो होती है UPSC जो भी स्टेट PSC से उनके लिए ही नहीं, तो लॉ स्टूडेंट जो है उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आते हैं पार्ट फोर, डीलिंग विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ है और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है जो कि पार्ट 4A में है वो यहाँ पर लागू नहीं होते हैं, मतलब जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद अब हम आते हैं इमरजेंसी टॉपिक पर। तो इमरजेंसी जो है, नेशनल इमरजेंसी तीन ग्राउंड पर होती है, उसमें से अगर इंटरनल डिस्टर्बेंस पर इमरजेंसी लगाई जाती है तो वो जम्मू एंड कश्मीर पर नहीं लगाई जा सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लॉ स्टूडेंट्स के लिए भी और जो UPSC में भी काफ़ी बार पूछा गया है, लॉ एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा गया है। जो इमरजेंसी फैक्टर्स होते हैं जैसे फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है, अगर आप देखोगे तो सेवन्थ पॉइंट देखिए, फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो बिल्कुल लागू नहीं कर सकते हैं जो हमारे राष्ट्रपति है वो जम्मू एंड कश्मीर में। जो प्रेसिडेंशियल रूल होता है, ठीक है, प्रेसिडेंट्स रूल होता है वो लागू किया जा सकता है, लेकिन अब नॉर्मल केस में हम देखते हैं, नॉर्मल केस जब होती है जो बाकी दूसरे स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र हम कंसिडर करते हैं, महाराष्ट्र में प्रेसिडेंट्स रूल कब लागू होगा,
जब वो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पर प्रेसिडेंट जो है अपना प्रेसिडेंट्स रूल लगाएंगे, बराबर है। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में ऐसा नहीं होता है। जम्मू एंड कश्मीर में प्रेसिडेंट्स रूल लगाया जा सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि जब जम्मू एंड कश्मीर जो है उनकी खुद की कॉन्स्टिट्यूशन जो है, मतलब जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके अकॉर्डिंग अगर काम नहीं कर रहे हैं, तब प्रेसिडेंट्स रूल जो है वो लगाया जा सकता है। और तीसरी चीज़ क्या है, नेशनल इमरजेंसी के बारे में, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई नहीं जा सकती है प्रेसिडेंट्स रूल जब जम्मू एंड कश्मीर अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम न करे, मतलब जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम न करे, तब वहाँ पर प्रेसिडेंट्स रूल जो है वो लगाया जा सकता है। ये दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन, नेशनल इमरजेंसी जो है वो सिर्फ एक्सटर्नल अग्रेशन जब होता है, जब वॉर होती है, तभी नेशनल इमरजेंसी वहां पर लगाई जा सकती है। इंटरनल डिस्टर्बेंसेस जब भी होंगे तो वहां पर नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है क्या? तो नहीं लगाई जा सकती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है इमरजेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल काम नहीं करते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज काम नहीं करते हैं, और जो इमरजेंसीज है वो तीनों कंडीशन हमने यहाँ पर देख ली है। उसके बाद आता है स्टेट इमरजेंसीज अप्लीकेबल टू द स्टेट। हाउएवर, जैसा मैंने अभी आपको बताया है, दिस इमरजेंसी कैन बी इम्पोज इन द स्टेट ऑन द ग्राउंड ऑफ फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी अंडर द प्रोविजन ऑफ स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा मैंने आपको बताया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं, तो उसमें वो इमरजेंसी नहीं लगा सकते हैं, मतलब प्रेसिडेंट्स रूल नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन अगर वो खुद के जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर प्रेसिडेंट्स रूल जो है वो लगाया जा सकता है। टू टाइप ऑफ इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर इन द स्टेट, नेमली प्रेसिडेंट्स रूल अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नर्स रूल अंडर द स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन। इस तरीके की दो वहाँ पर इमरजेंसी जो है वो लगाई जा सकती है। अब 1986 में फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट्स रूल जो है वो इम्पोज किया गया था स्टेट में। उसके बाद 10th कंडीशन पर आते हैं कि इंटरनेशनल ट्रीटी और अग्रीमेंट अफेक्टिंग द डिस्पोजिशन ऑफ एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ द स्टेट कैन बी मेड बाय द सेंटर ओनली विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इंटरनेशनल ट्रीटी या फिर अग्रीमेंट जो कि वहाँ पर डिस्पोजिशन ऑफ एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी, जो भी टेरिटरी है उसका डिस्पोजिशन यहाँ पर कुछ हो रहा है, तो वो किया जा सकता है विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर ओनली। यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर जो है उसका पार्ट आएगा। अमेंडमेंट मेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन हमारे भारत की कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो भी अमेंडमेंट यहाँ पर लाए जाते हैं, जो भी चेंजेस यहाँ पर लाए जाते हैं हमारे संविधान में, तो वो जो है वो अप्लीकेबल नहीं रहेंगे। डज नॉट अप्लाई टू द स्टेट अनलेस इट इज एक्सटेंडेड बाय द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। अगर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के साथ एक्सटेंड किया जाता है तो ही वो अप्लाई होगा, नहीं तो वो अप्लाई नहीं होगा। ऑफिशियल लैंग्वेज प्रोविजन आर एप्लीकेबल टू द स्टेट ओनली इन सो फार एज दे रिलेट टू द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंटर स्टेट एंड सेंटर स्टेट कम्युनिकेशन एंड द लैंग्वेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग्स। तो यहाँ पर ये भी चीज़ आपको देखनी है कि ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो भी प्रोविजंस अप्लीकेबल कम कौन से इसमें रहेंगे, ओनली इन सो फार एज दे रिलेट टू द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंटर स्टेट, सेंटर स्टेट कम्युनिकेशन और जो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग है उसके लिए। बाकी अपने स्टेट में उनको जो करना है वो कर सकते हैं। फिफ्थ स्केड्यूल जो है जो कि डील करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्रोल ऑफ स्केड्यूल एरियाज, स्केड्यूल ट्राइब्स एंड सिक्स स्केड्यूल जो है जो डील करता है ट्राइबल एरियाज, तो वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होता है। फिफ्थ और सिक्स स्केड्यूल यहाँ पर अप्लाई नहीं होता है। फर्स्ट स्केड्यूल जो है वो अप्लाई होता है क्या? तो जी हाँ, अप्लाई होता है जो यूनियन एंड इस टेरिटरी से रिलेटेड है। फिर लास्ट पॉइंट आता है यहाँ पर स्पेशल लीव ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन एंड द कंट्रोल ऑर्डर जनरल आर अप्लीकेबल टू द स्टेट। अब यहाँ पर जैसा हमने देखा था कि जो रिकमेंडेशंस आए थे जम्मू एंड कश्मीर के लेजिस्लेचर की तरफ से, क्या रिकमेंडेशंस आए थे कि जो टेम्प्रेरी है उसे स्पेशल में बदल देना चाहिए। उसके बाद उसी के साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसका कोई रोल नहीं रहना चाहिए, ये भी एक पॉइंट था। तो ये पूरी तरीके से खारिज कर दिया था उन्होंने, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा है। अब यहाँ पर अब वो खारिज कर दिया था, इसका मतलब क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, कंट्रोल ऑर्डर जनरल ऑफ इंडिया जो है और सुप्रीम कोर्ट जो है वो उनका ज्यूरिडिक्शन यहाँ पर अप्लाई होता है, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं कि हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कैन इश्यू रिट्स ओनली फॉर द एन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट एंड नॉट फॉर एनी अदर पर्पज। अब अगर आप महाराष्ट्र का हाई कोर्ट देखोगे तो वहाँ पर जो हाई कोर्ट है वो रिट इशू कर सकते हैं अगर फंडामेंटल राइट वॉलेट होते हैं, फिर भी अगर दूसरे कंडीशन है उसमें भी जो रिट है वो इशू कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो सिर्फ फंडामेंटल राइट वॉलेट होता है तो ही रिट जो है वो इशू कर सकता है। ये हमने दो कंडीशंस देखी थी, इसलिए हमने ये देखा था कि जो हाई कोर्ट है उसका जो रिट इशू करने का एक स्कोप है वो वाइडर स्कोप है एज़ कम्पेयर टू सुप्रीम कोर्ट। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर का अगर हम हाई कोर्ट देखते हैं तो उसका सेम है एज़ कम्पेयर टू सुप्रीम कोर्ट।
मतलब जम्मू एंड कश्मीर का जो हाई कोर्ट है वो रिट इशू कर सकता है ओनली फॉर द वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. प्रोविजंस ऑफ पार्ट टू रिगार्डिंग द डिनायल ऑफ सिटीजनशिप राइट ऑफ माइग्रेंट टू पाकिस्तान आर नॉट अप्लीकेबल टू द परमानेंट रेसिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. मतलब जो भी प्रोविजंस होते हैं पार्ट टू में जो सिटीजनशिप से रिलेटेड है, जो माइग्रेंट्स हैं पाकिस्तान से, वो हमने सिटीजनशिप चैप्टर में पूरा का पूरा देखा है, तो वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होते हैं. अब यहाँ पर ग्रुप ऑफ इंटरलोकेटर्स भी है, अब वो आप सेल्फ स्टडी में देख सकते हो क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी मेरे को इंपॉर्टेंट नहीं लगता है, इसलिए मैंने वहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है. और छोटे मोटे पॉइंट्स है कि क्या क्या करना चाहिए क्या क्या नहीं करना चाहिए, वो ऑलरेडी बहुत सारे पॉइंट जो है हमने ऑलरेडी, क्या स्पेशल ट्रीटमेंट, एक जो बिल निकला था कि स्पेशल स्टेटस देने का, वो सब हमने ऑलरेडी बहुत सारे पॉइंट जो है उसमें से कवर कर लिए हैं. तो थोड़ा बहुत है वो आप देख सकते हो ये सब सेल्फ स्टडी में. अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे देखिए एग्ज़ाम बहुत पास है तो काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें ऐसा लगता है कि क्लियर होगा या नहीं होगा, या फिर जिनका थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट है उन्हें ऐसा लगता होगा कि मैंने शायद कुछ दूसरा सोच लेना चाहिए, ये सब नहीं हो पा रहा है, या फिर अभी भी क्लियर होगा या नहीं होगा. तो ये सारी चीज़ें जो है ये काफ़ी परेशान करती है, तो इससे आपका जो अटेम्प्ट है वो भी छूट जाता है क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो अगले साल आएगी. तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो गोल है, अगर आप यहाँ पर हो तो आपका गोल यहाँ पर है. अब ये जो चीज़ है ये आपको सिर्फ यूपीएससी में ही नहीं, तो कोई भी अगर आपको कोई भी करियर होगा तो उसमें आपको काम आएगा. तो आपको आपके गोल पर पहुँचना है तो उसके कई वेज होते हैं. अब एक वे हम देखते हैं, अगर आप फ़्लाइट लेते हो तो फ़्लाइट से आप सीधा आपके गोल तक पहुँच सकते हो. ये हो गया ईजी वे, मतलब ये हो गया स्मार्ट वे, मतलब आपको टाइम जो है वो थोड़ा कम लगेगा. ऐसे हम काफ़ी स्टूडेंट्स देखते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाते हैं, तो ऐसे हम उन्हें देखकर और नर्वस हो जाते हैं कि उनका तो फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया था. या फिर अगर किसी का सेकेंड अटेम्प्ट में हुआ है तो फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स तो भी निकला था, मेरा तो प्रीलिम्स भी नहीं निकला है फर्स्ट अटेम्प्ट सेकेंड अटेम्प्ट में, तो मेरा होगा या नहीं होगा. तो हो सकता है कि उन्होंने जो पढ़ाई है, जो उनका हार्ड वर्क है, उनका स्मार्ट वर्क हो, उन्हें स्ट्रेटेजी जो है अच्छे समझ में आ गई हो जो आपको समझ में नहीं आ रही हो. दूसरे कंडीशन हो सकती है कि कोई बस से निकलता हो, मतलब बस से अपने इस पर पहुंचा हो, थोड़ा वक्त कम लगेगा एज़ कम्पेयर टू फ्लाइट, लेकिन बस से भी आप पहुंचोगे ज़रूर. मतलब क्या है कि आपने जो स्ट्रेटेजीज़ है वो थोड़ी लेट बनाई हो, स्ट्रेटेजीज़ है आपको थोड़ी लेट पता चली हो, इसमें भी आपका थोड़ा बहुत स्मार्ट वर्क हो और थोड़ा बहुत हार्ड वर्क हो. ठीक है, ये दो कंडीशंस हो गई. अब इससे भी जो बचे हुए लोग होते हैं, मतलब जिनका फिफ्थ अटेम्प्ट हो और पहले तीन अटेम्प्ट में तो प्रीलिम्स ही नहीं निकला था, फिर फोर्थ अटेम्प्ट में प्रीलिम्स निकला, मेंस दे रहे हैं, अब फिफ्थ अटेम्प्ट है इस बार का, तो ऐसे भी जो होते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि अब मैं गिव अप कर देना चाहिए क्या. तो लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप मूव होते रहना चाहिए. तीसरी कंडीशन आती है जो एकदम स्लो है, जो हार्ड वर्क, जिन्हें स्ट्रेटेजी समझ में नहीं आई है यूपीएससी में किस तरीके से आपको प्रीलिम्स अटेम्प्ट करना है, मेंस अटेम्प्ट करना है, लेकिन हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं. तो हार्ड वर्क अगर करते हैं तो देर से ही सही, लेकिन आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी क्योंकि आप चल रहे हो और चलना यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है. अगर आप रुक जाते हो, अगर आप गिव अप कर देते हो, आप कभी आपके गोल तक नहीं पहुंच पाओगे, लेकिन अगर आप चलते रहते हो तो कभी ना कभी आप आपके गोल तक ज़रूर पहुंचोगे. और लाइफ जो है, लाइफ बहुत बड़ी है, अगर आपको यहाँ पर नहीं भी हो रहा है तो लाइफ में आपके बहुत सारे वेज है, बहुत सारे करियर ऑप्शंस है जो आप कर सकते हो. लेकिन अगर आपने ये साल के लिए ठाना है कि आपको यूपीएससी देना है, यूपीएससी का अटेम्प्ट देना है, तो आपको देना ही है. आपको खुद पर कॉन्फिडेंस रखना है कि आप इतने साल से चलते आ रहे हो तो आपको ये यूपीएससी का अटेम्प्ट देना है और होगा ही, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. तो आप भले ही फ्लाइट से जा रहे हो, आप भले ही बस से जा रहे हो, आप भले ही पैदल जा रहे हो, लेकिन आपको चलते रहना है, क्योंकि इट टेक्स मेनी इयर्स टू मेक एन ओवरनाइट सक्सेस. जब आपको सक्सेस मिल जाएगी तो मीडिया अटेंशन ये सब आपको मिलेगा, लेकिन उसके पीछे का जो हार्ड वर्क है वो अभी को आप ही को पता होगा. आपको लगेगा कि एक दिन में रातों रात ये आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, यूपीएससी क्लियर कर लिया, मतलब एक दिन पहले तक, रिजल्ट के एक दिन पहले तक वो कुछ नहीं होते हैं, लेकिन रिजल्ट लगने के बाद वो सिविलियन से एक सिविल सर्वेंट बन जाते हैं और काफ़ी मीडिया अटेंशन वगैरह मिलता है. तो डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको करते रहना है, क्योंकि आपका भी दिन आएगा. तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में. जय हिंद.